हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। गूगल डॉक्स पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, गूगल डॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स बनाने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं दिया होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमको जाना है यहाँ पर, देखिए इंसर्ट टैब पे, ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से हमें जाना है ड्राइंग पे। जब ड्राइंग पे अपना कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ड्राइंग का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये है टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने का ऑप्शन, ये टी बना हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए, लेकिन वीडियो भी स्किप मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे दो बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल देखिए, जब टी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्लस साइन बनकर कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हमें अपना टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके टेक्स्ट बॉक्स की जो हाइट या विड्थ है वो आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि रो की मान लीजिए हाइट ज्यादा है या विड्थ ज्यादा है और आपने बॉक्स छोटा बना दिया, तो जो टेक्स्ट होगा वो इस बॉक्स के बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स की जो हाइट और विड्थ है वो भी, मतलब वो भी एक टेक्स्ट के हिसाब से रखनी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ तक स्ट्रेच कर देते हैं। ये देखिए हमने स्ट्रेच कर दिया। अब दूसरी बात ध्यान रखने की है, अगर इसकी जो मतलब ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसमें जो लाइन है उसकी विड्थ ज्यादा नहीं है तो ये शो नहीं होगा वहां पे। जब आप यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो, और ये जब ये गूगल डॉक्स के पेज पर जाएगा तो वहां पर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मतलब इसकी हाइट आप थोड़ी सी थिक रखिए, मतलब जो सॉरी हाइट कह रहा हूँ मैं, बॉक्स की जो लाइन है इसकी विड्थ थोड़ी सी थिक रखिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स मतलब बॉर्डर की जो विड्थ है वो थोड़ी सी हम ज्यादा कर देते हैं, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से 2px ले लीजिए। ठीक है, हमने ले लिया तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा मतलब इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ गई बॉर्डर की। ठीक है, बॉक्स के बॉर्डर की। अब यहाँ पर बीच में कहीं पर भी क्लिक करिए तो ये देखिए यहाँ पर कर्सर आ गया। अब आप अपना टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ये हमने टाइप कर दिया। उसके बाद जब आप यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉर्डर जो है वो पेज पर आ गया।